सरकार ने कोरोना वायरस को महामारी घोषित कर दी है और इस गंभीर बीमारी को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग की ओर से इसके बचाव को लेकर सुझाव दिए जा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर जनपद संभल में राशन उपभोक्ताओं में भी कोरोना वायरस को लेकर डर का माहौल पैदा हो गया है। वे राशन लेने के लिए कोटेदार के पास कम संख्या में पहुँच रहे हैं। इसके पीछे की वजह बायोमेट्रिक मशीन है, जिस पर अंगूठा लगाए बिना राशन नहीं मिल पाता है। उपभोक्ताओं को इस बात का डर है कि बायोमेट्रिक मशीन पर तमाम लोगों के अंगूठे लगे होते हैं और कहीं ना कहीं किसी में संक्रमण रोग हो तो वह किसी अन्य में फैल जाए। इसी को लेकर उपभोक्ताओं में डर का माहौल साफ देखा जा सकता है। उपभोक्ताओं की समस्याओं को देखते हुए जिले के सभी राशन डीलरों ने जिला पूर्ति अधिकारी को पत्र लिखकर फिलहाल के लिए बायोमेट्रिक प्रणाली खत्म करने की मांग दोहराई है। इस मामले में जिला पूर्ति अधिकारी नरेंद्र तिवारी ने बताया कि राशन डीलरों की समस्या गंभीरता से लिया जा रहा है और शासन स्तर पर लिखा पढ़ी की जा रही है। अब देखना यह होगा कि शासन स्तर से इस मामले में मंजूरी मिल पाती है या नहीं। सर, जिस तरह से ये कोरोना वायरस फैल रहा है और इसको लेकर सरकार बचाव के लिए तमाम उपाय खोज रही है, वहीं राशन कोटेदार जो है बायोमेट्रिक के आधार पर राशन देते हैं, तो क्या बायोमेट्रिक हाजिर पे फिलहाल रोक लगी हुई है या क्या कुछ कार्रवाई कर रहे हैं आप लोग? नहीं, फिलहाल तो बायोमेट्रिक पे रोक नहीं लगी हुई है, लेकिन दुकानदार एसोसिएशन जो है, उचित दर विक्रेता एसोसिएशन, उनके द्वारा एक पत्रक मिला हुआ है मुझे और कि बायोमेट्रिक पद्धति से फिलहाल रोक लगाई जाए, क्योंकि जो कोरोना वायरस है इसके फैलने की संभावनाएं व्यक्त कर रहे हैं, तो इस पे उस पत्रक पे मैं पत्राचार ऊपर के अधिकारियों को कर रहा हूं और आयुक्त महोदय के कार्यालय में भी मैं इस समस्या को प्रेषित करूंगा जो उन्होंने पत्रक दिया है। इसके पश्चात जैसा निर्देश प्राप्त होता है कार्रवाई की जाएगी। शासन स्तर पर भी आप लोग इस लिखा पढ़ी कर रहे हैं इस मामले में? जी, जो पत्रक प्राप्त हुए हैं विक्रेताओं के माध्यम से, विक्रेता एसोसिएशन के माध्यम से, उसके तहत इस पे पत्राचार किया जा रहा है और जैसे ही ऊपर से निर्देश प्राप्त होंगे तदनुसार कार्रवाई की जाएगी। क्या नाम है आपका? महेश चंद्र। महेश जी, कहाँ रहते हैं आप, कौन से गांव के डीलर हैं आप? पीपली रहमापुर। अच्छा, ये बताइए, जैसे कोरोना वायरस फैल रहा है तो उसको लेकर डीलरों ने डीएसओ को, जिला पूर्ति अधिकारी को लेटर लिखा है जिसमें उन्होंने कहा है कि कोरोना वायरस की वजह से बायोमेट्रिक हाजिरी पर फिलहाल रोक लगाई जाए, तो इसकी वजह क्या है, क्यों आप लोगों ने लेटर लिख दिया आपने? ऐसा ना, एक इस बीमारी जो नया आई है इससे सबके मन में एक भ्रम है बहुत बड़ा कि कहीं अंगूठा लगाने जैसे हम आ रहे हैं अगर दूसरे का अंगूठा जो है हमारे से बीमारी न लग जाए, तो ये जो मशीन है अंगूठे लगाने वाली, तो अंगूठे लगाने वाले भी जो कार्ड धारक वो कम आ रहे हैं बहुत, उनमें डर है इस बात, उनमें डर है इस बीमारी का, कहीं हमें ना लग जाए, कि कोई खांस ना दे हमारे ऊपर, उसकी वजह से हमारे अंदर ना जाए। तो इस पे सर हमारे डीएसओ साहब ने भी लिखा परी की है कि इन पे अभी जब तक ये वायरस यहाँ रहे तब तक जो है मशीनों पे जो है रोक लगाई जाए। तो आप लोगों ने डीएसओ को अपने पत्र दिए लिखा है संबंध में? जी, जिससे कि जो सब जो स्वस्थ रहें और किसी के अंदर ये बीमारी ना हो। क्या नाम है आपका? मोहम्मद दाऊद। दाऊद, कौन से गांव के डीलर हो आप? ओबरी के। अच्छी बताइए, आप लोगों ने, डीलरों ने, सभी ने मिलकर जिला पूर्ति अधिकारी को पत्र लिखा है जिसमें बायोमेट्रिक हाजिरी पर रोक लगाने की मांग की है, तो क्या वजह है इसके पीछे? लोगों की भीड़ इकट्ठा होती है, कुछ लोग छींकते हैं, कुछ खांसते हैं, तो लोगों को डर रहता है, इससे भय पैदा हो गया एक तरीके का कि कहीं कोरोना वायरस हमें नहीं लग जाए। तो क्या लोगों में ये भी है कि हम लोग अंगूठा लगाते हैं तो क्या अंगूठा लगाने से भी इस तरीके से संक्रमण फैलेगा? हाँ, तो इस संबंध में लोगों को डर है, लोगों में? हाँ, लोगों में डर है कहीं दूसरे के छुआछूत से हमें वायरस नहीं लग जाए। एक ही मशीन पे बार बार अंगूठे लगते हैं तो हर बार मशीन धोई तो नहीं जा सकती या साफ नहीं की जा सकती, जिन लोगों में डर बैठा हुआ कहीं उसके हाथ टच होने से हमें वायरस इन्फेक्टेड नहीं हो जाए। तो आप लोगों ने मांग की है कि जब तक ये वायरस खत्म नहीं हुआ तब तक जो है बायोमेट्रिक पर रोक लगाई जाए। जी सर।